वेलकम ऑल ऑफ यू आवर टॉपिक ऑफ ई लेक्चर इज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय ब्लू ग्रीन एल्गी इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इन व्हाट वे ब्लू ग्रीन एल्गी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअली नाइट्रोजन इज ए वेरी क्रिटिकल लिमिटिंग एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स पौधों में उसकी ग्रोथ और उसके प्रोडक्शन के लिए जो है नाइट्रोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है लिमिटिंग एलिमेंट्स है और उसके अलावा जो है ये प्लांट्स में क्लोरोफिल और एमिनो एसिड्स का भी जो है एक मेजर कंपोनेंट है एमिनो एसिड में और क्लोरोफिल में भी एक मेजर जो है कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है और जो बायोमोलिकुल्स होते हैं जैविक अणु होते हैं जैसे कि ए और न्यूक्लिक एसिड उसमें भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के रूप में ये पाया जाता है हालांकि हम जानते हैं कि एनवायरमेंट में जो है नाइट्रोजन एक मेज़र अबंडेंट एलिमेंट्स के रूप में पाया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है लेकिन ये जो है प्लांट्स जो है उसको इस फॉर्म में जो है यूज़ नहीं कर सकते बल्कि इस एलिमेंट को जो है रिड्यूस फॉर्म में जो नाइट्रोजन की जो रिड्यूस फॉर्म होती है जैसे कि अमोनिया है या फिर नाइट्रेट है इस फॉर्म में जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा कि इस एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में जो है उसका जो है कन्वर्जन करना पड़ेगा कौन से इस जो है अमोनिया या फिर नाइट्रेट फॉर्म के कंपोनेंट्स में जो इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा और इस कन्वर्जन को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि एटमोस्फिक नाइट्रोजन जो है किस में कन्वर्ट होती है अमोनिया में या फिर एक उससे जुड़े हुए उससे संबंधित जो है नाइट्रोजन कंपाउंड है उस कंपाउंड में जो है ये कन्वर्ट होते हैं सॉयल में या फिर एक्वेटिक सिस्टम में और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस जो है एक नेचुरल प्रोसेस है और ये नेचुरल प्रोसेस जो है किसके द्वारा किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स वगैरह उसके द्वारा ये किया जाता है सॉइल वगैरह उसके अंदर और इसके लिए जो है नाइट्रोजेस एंजाइम को यूज़ करते हैं और ये नाइट्रोजेनिस एंजाइम जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस जो है करते हैं अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी एलगी जो है उसमें भी ब्लू ग्रीन एलगी जो है इस नाइट्रोजन फिक्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और कौन कौन सी ब्लू ग्रीन एलगी है लगभग जो है ट्वेंटी टू फिलाेंटस जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जो साइनोफाइसी क्लास के जो मेंबर्स है वो उसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी पाई जाती है और एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखें जैसे कि नोस्टोक है एनाबीना है टोलीपोथ्रिक्स है ओलो है सिलेंड्रोस्पर्मम एनाबिनोपिस कैलोथ्रिक्स साइटोनिमा एटसेट्रा तो ये जितने भी जो है साइनोफाइसी क्लास के मेम्बर हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी रखते हैं और खास बात यह है कि ये जितने भी फॉर्म है जितने भी साइनोफाइशिन एलगी है उन सब में जो है पाया जाता है यानी हेट्रोसिस्टस है हेट्रोसिस्ट इसके अंदर पाया है एक स्पेशल सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का, का काम करती है पाया जाता है और इस तरह से जो है इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एफिशिएंट एक प्रभावी मैकेनिज्म पाई जाती है तो ब्लू ग्रीन एलगी के अंदर जो नील हरित सेवाल है उसके अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन साइट जो होती है वो हिट्रोसेस्ट होती है और ये हिट्रोसेस्ट जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और वो भी किस कंडीशन में एरोबिक कंडीशन में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं हालांकि अगर अन एरोबिक कंडीशन है अवायवीय स्थिति है तो उसमें जो हैट्रोसेस्ट के अलावा जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल है वो भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सकती है लेकिन अगर एरोबिक कंडीशन है तब क्या होगा कि उस एरोबिक कंडीशन में वेजिटेटिव सेल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं कर सकती उसका कारण ये है कि उसके अंदर जो है ऑक्सीजन पाई जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन एंजाइम की एक तरह से दुश्मन है कैसे कि वो जो नाइट्रोजनिज एंजाइम है इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनएक्टिव हो जाएगा और जब अगर नाइट्रोजेज एंजाइम ही इनएक्टिव हो जाएगा तो फिर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि हिट्रोसिस्ट एक एरोबिक कंडीशन में भी अनएरबिक एन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है और वो कैसे वो इसलिए कि हिट्रोसिस्ट की स्ट्रक्चर इसमें जो है हेल्प करती है हिट्रोसिस्ट एक जो है एक थिक लेयर्ड स्ट्रक्चर है क्या है एक थिक लेर्ड स्ट्रक्चर है और वो थिक लेर स्ट्रक्चर जो है अन एरोबिक एनवामेंट प्रोवाइड कराती है और जो है नाइट्रोजन एक्टिविटी के लिए जरूरी है अब हिट्रोसिस्ट को देखें तो हिट्रोसिस्ट की वॉल जो है ट्रिपल लेर्ड होती है एक थिक वॉल होती है एक उसके अंदर आउटर सबसे बाहर की ओर फाइब्रस लेयर पाई जाती है बीच में होमोजिनस लेयर पाई जाती है और सबसे अंदर की ओर लेमिलर लेयर पाई जाती है तो इस तरह से एक थिक वॉल ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है और ये वॉल अगर हम हिट्रोसिस्ट की स्ट्रक्चर को देखें तो हमें इस तरह से नजर आती है और ये वॉल जो है पोलर रीजन जो है ये पॉलर रीजन है इस रीजन में जो है थिक होती है और जैसे ही हिट्रोसिस्ट सेल मैच्योर होती है तब जो है इस वेजिटेटिव सेल और ये हिट्रोसिस सेल जो आपस में जो है जो इस पॉलर नोड्यूल्स के द्वारा प्लग हो जाती है उससे पहले जो है पिट कनेक्शन है आपस में कनेक्शन रहता है लेकिन बाद में जो है पॉलर नोड्यूल्स के द्वारा यहाँ पर जो है ये डिसकनेक्ट हो जाती है ये एक हीट्रोसिस्ट सेल की स्ट्रक्चर है हम देखें कि ये सबसे बाहर की ओर ये आउटर फाइब्रस लेयर है और इधर म्यूसिलेजिनस ऊपर कवरिंग भी है और बीच में जो है उसके नीचे हम देखते हैं मिडिल होमोजिनस लेयर और उसके बाद होमोजिनस लेयर के बाद में जो है इनर लेयर ये इनर लेमिलर लेयर तो ये जो है सारी मिल कर के और हीट्रोसिस्ट की एक थिक वॉल का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो है पॉलर नोड्यूल्स जो मैच्योर होने के बाद में वेजिटेटिव सेल और जो हिट्रोसिस सेल्स को आपस में डिसकनेक्ट करते हैं इसके अलावा जो है यहाँ पर हिट्रोसिस सेल के अंदर यहाँ पर हमें फोटोसिंथेटिक लैमिली नज़र आ रही है और ये जो है इस थिक वॉल के अंदर की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आ रही है तो ये सेल जो है थिक वॉल की वजह से हिटरोसिस सेल जो है वेजिटेटिव सेल से काफ़ी अलग हो जाती है काफ़ी स्पेरिकल स्ट्रक्चर और अलग से थिक दिखाई देती है बड़ी दिखाई देती है उसके बाद हम ये देखते हैं कि हिट्रोसिस्ट सेल की एक तो थिक वॉल स्ट्रक्चर होगी जो इसकी स्पेशल करेक्टर है और वो एनवायरमेंट हमें कैसे देता है अनएरबिक एनवायरमेंट प्रोवाइड कराता है इसके अलावा दूसरे करेक्टर्स क्या है कि हिट्रोसिस्ट सेल के अंदर जो फोटोसिस्टम सेकेंड जो है वो अबसेंट होता है फ़ोटोसस्टम सेकेंड इज़सेंट इन हिट्रोसिस्ट और वो क्या करता है कि जो है अन एरोबिक कंडीशन को जो है इंश्योर करता है एक परफेक्ट अन एरोबिक कंडीशन जो है उसको इंश्योर करता है और चूँकि क्या होगा कि अगर फोटो सिस्टम जो है सेकेंड होगा तो उसमें वाटर का फोटोलाइसिस होगा और वाटर का फोटोलाइसिस होने से फ्री ऑक्सीजन जनरेट होंगे क्या होंगे फ्री ऑक्सीजन जनरेट होंगे और अगर फ्री ऑक्सीजन जनरेट हो गए तो फिर नाइट्रोजनिज एंजाइम जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा और एक्टिवेट नहीं हो पाएगा अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा तो नाइट्रोजनज नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो फोटो सिस्टम सेकेंड जो है इसके अंदर अप्सेंट होगा और अपसेंट होने से क्या है कि वो फ्री जो है ऑक्सीजन हमें यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे यहाँ जनरेट नहीं हो पाएंगे हिट्रोसिस्ट सेल के अंदर तो इस तरह से जो है हीट्रोसिस्ट के स्पेशल नेचर की वजह से कौन कौन सी नेचर एक तो थिक वॉल्ड हो गया और दूसरा क्या है कि फोटोसिस्टम सेकेंड जो है इसके अंदर अप्सेंट होता है इसकी वजह से क्या होता है कि जो रेट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजन जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन की रेट जो होती है हीट्रोसिस्ट सेल के अंदर वेजिटेटिव सेल के कंपैरिजन में जो है हंड्रेड टाइम जो है सौ गुना कम हो जाती है और उसके अंदर एन एरोबिक एनवायरनमेंट बन जाता है और हम वो देखते हैं कि हिट्रोसिस्ट बनता कब है जब भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी जो अगर कंडीशन है तो उस दौरान क्या होता है कि हर टेन सेल्स के बाद में एक हीट्रोसिसट का डेवलपमेंट होता है और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है एक ऑटो रेगुलेटेड जीन जो है हेट आर जिसे कहते हैं हेट आर जीन जो है एक ऑटो रेगुलेटेड जीन है वो जीन क्या करता है एक्टिवेट हो जाता है और वो जो है हीट्रोसिस्ट डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है इनिशिएशन करता है कि जैसे ही नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होते हेट आर जीन जो है रेगुलेट हो जाएगा ऑटो रेगुलेट हो जाएगा और वो जो है हिट्रोसिस्ट को इनिशिएट करेगा उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा तो जो है इस तरह की मैकेनिज्म इसके अंदर पाई जाती है और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैकेनिज़्म जो है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर वो रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक के द्वारा स्टडी की गई है और दूसरी खास बात ये हिट्रोसिस्ट कि हिट्रोसिस्ट केवल एकमात्र कोसी का है ग्रीन एलगी के अंदर जो निफ जीन को एक्सप्रेस करती है किसको करती है निफ जीन नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन जो है उसको जो है क्या करती है एक्सप्रेस करती है और ये जो है इस जीन की वजह से नाइट्रोजन नाएट्रो, नाइट्रोजनेज का सिंथेसिस होता है किसके अंदर हिट्रोसिसट के अंदर तो निफ जीन जो है वो एक्सप्रेस हिट्रोसिस सेल करती है उसकी वजह से जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का सिंथेस होता है इसके अंदर और वेजिटेटिव सेल जो है वो क्या करती है इस फिक्सड नाइट्रोजन को फिक्स जो नाइट्रोजन फिक्स की है उसको हिट्रोसिस्ट से जो है गेन करता है ऑप्टेन करता है किस फॉर्म में करता है एमिनो एसिड फॉर्म में और एमिनो एसिड में भी स्पेशली ग्लूटाम फॉर्म में जो है ये वेजिटेट्रीचर उससे प्राप्त करती है तो अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को देखते हैं अब आप देखिए कि जो नाइट्रोजेज एंजाइम जो है आप ये देखिए साइकिल हमारे सामने ये नाइट्रोजेज एंजाइम जो है जो हिट्रोसेस्ट के अंदर है वो क्या करेगा Osionfish. इस नाइट्रोजन जो है एनवायरमेंटल नाइट्रोजन ये जो आ रही है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन आ रही है वो नाइट्रोजन जो है यहाँ पर पोर के द्वारा यहाँ पर हाइट्रोसिस्ट में एंटर कर रही है और ये नाइट्रोजन जो है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है वो इसके अंदर पाए जाने वाले हाइट्रोसिस्ट में पाए जाने वाले नाइट्रोजनेज एंजाइम के द्वारा अमोनिया में कन्वर्ट होती है इसमें अमोनिया में कन्वर्ट होगी और ये अमोनिया जो है ब्लूटोमेट सिंथेटिज एंजाइम की प्रेजेंस में कौन से प्रेजेंस में ग्लूटेमेट सिंथेटिस एंजाइम की प्रेजेंस में अमोनिया जो है ग्लूटेमाइन में चेंज हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है और ये अब ये ग्लूटामाइन जियो अमिनो एसिड्स जो है आगे चल करके क्या करता है यहाँ से जो है हिट्रोसिट्स सेल से वेजिटेटिव सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है आप देखिए यहाँ से कि जो है अमोनिया एटमोसफिक नाइट्रोजन से जो है अमोनिया बनी अमोनिया जैसे ग्लूटामाइन बना और ये ग्लूटामाइन जो है हीट्रोसिस से वेजिटेटिव सेल में ट्रांसफ़र हो गया अब वेजिटेटिव सेल्स में क्या होता है कि ये ग्लूटामाइन जो है ये ग्लूटेरेट की प्रेजेंस में किसकी प्रेजेंस में ग्लूटरेट की प्रेजेंस में ऑक्जेलोग की प्रेजेंस में और जियो एंजाइम की प्रेजेंस में जियो एंजाइम जो है गॉगट जिसे कहते हैं उसका पूरा नाम क्या है इस एंजाइम का ग्लूटेमाइन ऑक्जेलोगट एमिनो ट्रांसफर एंजाइम क्या नाम हो गया ग्लूटेमाइन ऑक्जेलोगलूटेरेट एमिनो ट्रांसफेरेज एंजाइम इस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूटामाइन और ऑक्जेलो ग्लूटेरेट मिल करके और ग्लूटेमेट की दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर जो है ग्लूटेमेट के दो मॉलिक्यूल्स बन गए अब इन दो मॉलिक्यूल्स में जो है एक मॉलिक्यूल्स जो है इस वेजिटेटिव सेल में रहता है और फर्दर जो है ग्लूटामाइन और ग्लूटामेट मिल करके और फिर जो है ट्रांस एमिनेज प्रोसेस के द्वारा नए एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं अब हम देखते हैं कि एक जो मॉलिक्यूल वापस जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है कि इसमें हिट्रोसिस्ट सेल में ट्रांसफ़र हो गया ये यह ग्लूटामेट यहाँ से वेजिटेटिव सेल से हिट्रोसिस्ट सेल में आ गया और वहाँ पर आकर के और एंडोजीनस सिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वापस ग्लूटामेट जो है ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हो गया अब अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर कन्वर्ट हो गया तो इस तरह से जो है यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के द्वारा जो है अम्यूनो एसिड बने और अम्यूनो एसिड जो है वेजिटेटरी सेल में शिफ्ट हुए अब हम देखते हैं कि जो हिट्रोसिस सेल है उसमें फ़ोटो सिस्टम सेकेंड अपसेंट होता है फोटो सिस्टम सेकेंड अपसेंट होता है इसके अंदर रोबेस को और ये जो है सीथरी साइकिल जो है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है किसके अंदर हीट्रोसिस्ट के अंदर जबकि वेजिटेटिव सेल की बात करें ये वेजिटेटिव सेल है इसके अंदर जो है सीथरी साइकिल रोबेस को सब पाया जाता है फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों ही प्रजेंस जो है दोनों ही प्रजेंट रहते है तो हम देखते हैं कि वेजिटेटिव सेल में तो सी टू का फिक्सेशन होता है इसमें नहीं होता है हीट्रोसिस्ट में तो यहाँ पर जो है वेजिटेटिव सेल में सी टू का फिक्सेशन हुआ, हुआ फोटोसिस्ट सेकेंड फर्स्ट प्रोसेस के द्वारा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ और ये ग्लूकोज जो है आगे चल करके सीधे जो है इस हीट्रोसिस्ट सेल में एंटर नहीं हो सकते उससे पहले ये माल्टोज में कन्वर्ट होते हैं और ऑक्जेलो ग्लूटेरेट में कन्वर्ट होते हैं ऑक्जेलो ग्लूटेरेट जो है वो तो ग्लूटामाइन के साथ मिलकर के ग्लूटोमेट का फॉर्मेशन करेगा जो माल्टोज है वो माल्टोज यहाँ पर जो है से ट्रांसफर हो जाएगा किसके अंदर हिट्रोसे सेल के अंदर तो यहाँ पर अब ये माल्टोज जो है हीट्रोसे सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो गए और ये माल्टोज आगे चल करके जो है ऑक्सीडेटिव पेंटोज फास्फेट पाथवे में रन करता है ऑक्जीडेटिव पेंटोज फास्फेट पाथवे में रन करता है और इस तरह से आप देखिए कि माल्टोज फिर जो है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट और उसके बाद में जो है सिक्स फॉस्फोग्लूटेरेट और उसके बाद में राइबुलोस फाइव फॉस्फेट ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हैं और इस पाथवे के दौरान हमें जो है एन जो है एसिमिलिटरी पावर प्राप्त होती है और ये एन फिर हाइड्रोजन आयन्स और उसके बाद फेराडोक्सिन जो रिड्यूस्ड फॉर्म में उसको क्रिएट करता है और ये फेरेडोक्सिन जो है नाइट्रोजनेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है किसको करता है नाइट्रोजनस एंजाइम को एक्टिवेट करता है इसके अलावा इसके अंदर जो हम जानते हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाता है उसमें ए का फॉर्मेशन होता है ये ए जो है इस नाइट्रोजन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है क्या प्रोवाइड कराता है एनर्जी प्रोवाइड कराता है अब देखिए कि यहाँ पर जो है हीट्रोसिस्ट और वेजिटेटिव सेल्स इस तरह दोनों के बीच में इस तरह से कार्बन और नाइट्रोजन का एक्सचेंज होता है कैसे एक्सचेंज होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है हालांकि जो एटमॉस्फेयर जो है ऑक्सीजन भी एंटर होती है वेजिटेटिव सेल्स में और वेजिटेटिव सेल्स से जो है अब आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर ये यह ब्लॉक हो गया कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है इसके अंदर एंटर नहीं हो सकती हिट्रोसिस के अंदर तो ऑक्सीजन तो वेजिटेटिव सेल के अंदर रहती है अब जो नाइट्रोजन इसके अंदर एंटर हुई है वो नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो एक्सचेंज हो रही है कहाँ से हिट्रोसिस्ट से वेजिटेटिव सेल्स से में किस फॉर्म में एमिनो एसिड फॉर्म में यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है और फिर ये जो है आगे चल कर के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो इस तरह से जो है हिट्रोसिस्ट जो है नाइट्रोजन का ट्रांसफर करता है और एमिनो एसिड फॉर्म में और वह एमिनो एसिड फॉर्म जो है आगे चल करके और वेजिटेटिव सेल्स के अंदर प्रोटीन का निर्माण करेगी बदले में क्या हो जाए वेजिटेटिव सेल्स क्या देगी वेजिटेटिव सेल्स जो है कार्बन प्रोवाइड करेगी इसने तो नाइट्रोजन प्रोवाइड किया ये कार्बन प्रोवाइड करेगी किस फॉर्म में माल्टोज फॉर्म में कार्बन एक्सचेंज करेगी और ये माल्टोज जो है इस तरह से पेंटोज फास्फेट पाथवे में रन करता है और रन करके इसको इस तरह से इसको पोषण प्रदान करता है एनर्जी प्रदान करता है तो इस तरह से जो है एक हीट्रोसिस सेल के अंदर ब्लू ग्रीन एलगी और ब्लू ग्रीन एलगी में जो स्पेशल शेल जो होती है से कोशिका होती है उस कोशिका में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है थैंक यू